तो गाइज इस टाइम पे जो मेरे हेयर है ना बहुत ज्यादा वेवी हैं, और इस टाइम पे मेरे हेयर पे बहुत ज्यादा वेव्स आ रखी है, और मेरे जो हेयर है बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। बट मेरे को अपने बाल जो है वो ऐसे देखे बिल्कुल भी नहीं जा रहे, और अभी आगे मैं कुछ शादी भी अटेंड करने वाला हूँ और मैं अपने बालों को ऐसा नहीं रख सकता। दैट्स वाई आज मैं आया हूँ सैलून में अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करवाने। और स्ट्रेटनिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्राइस होता है और कितने टाइम तक चलती है, वो सारी जो कन्फ्यूजन है मैं आपकी दूर करने वाला हूँ, और हर चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट देखते रहना, अभी आप इंजॉय करो फुटेज का, और उसके बाद हम मिलते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद। Pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling now. Down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो फाइनली गाइज मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करा के घर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप जो रिजल्ट है ना वो आप देख सकते हो, मतलब बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो चुके हैं। और मतलब अगर बाल आप ऐसे पीछे करके और ऐसे सर आगे कर दो ना तो सारे आगे आ जाएंगे, मतलब थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, बट हाँ बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं और थोड़े सही लग रहे हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर स्ट्रेट बाल अच्छे नहीं लगते तो आप ना एक लग सकते हो चंपू, क्योंकि आपके बालों में से ना वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं रहेगा। और आई थिंक कि मैं भी चंपू ही लग रहा हूँ, मतलब अजीब सा लग रहा है, तो बट क्या कर सकते हैं। बट फिर भी हम किसी भी तरह से ना इसको स्टाइल करेंगे, वॉल्यूम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना अपना काम है। तो फाइनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो चुके हैं बाल, और अभी उन्होंने बोला है कि इस पर ना एक दिन तक बिल्कुल कोई पानी नहीं लगाना, बिल्कुल शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं करना। फिर हम थर्ड डे शैम्पू वगैरह कर सकते हैं, पानी वगैरह लगा सकते हैं, नॉर्मल हो जाएंगे। और बेसिकली अभी उन्होंने थर्ड डे ना मुझको अभी सैलून पर बुलाया है, और वो लोग जो मेरे हेयर वॉश है ना वो करेंगे, फिर उसके बाद जो हेयर है ना वो हो जाएंगे चलने लायक। अब यहाँ बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये जो हेयर स्ट्रेटनिंग है वो कितने टाइम तक चलेगी, तो बेसिकली ये जो कन्फ्यूजन है मैं आपको दूर कर दूँ। तो यहाँ पर ना होता क्या है कि एक्चुअली ये जितने हेयर पे हमारा काम हो चुका है ना वो जो हेयर है ना वो हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट जैसे हमारे नए हेयर ग्रोथ होते ना वो नेचुरली होंगे, जैसे नेचुरल हेयर आपके वैसे वह होंगे, और जब तक आपके ये वाले हेयर रहेंगे ना वो स्ट्रेट ही रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हेयर स्ट्रेटनिंग दो टाइप की होती है, एक परमानेंटली होती है और एक टेम्परेली होती है। तो मैंने अब परमानेंट वाली कराई है। परमानेंट से मतलब वो नहीं है कि मतलब हमेशा के लिए रहेंगे आपके बाल वैसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नए हेयर ग्रोथ होंगे वो आपके नेचुरल होंगे, और जब तक ये वाले हेयर रहेंगे वो आपके स्ट्रेट रहेंगे, दैट्स इट। और जो टेम्परेली होता है उसमें जैसे आप पानी वगैरह लगाते हो ना तो वैसे आपके जो बाल दोबारा से वैसे नॉर्मल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये होता है फर्क टेम्परेली और परमानेंटली में। और बाकी अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो ऐसे जो प्राइस है ना वो 2500 रुपये लग गए हैं, मतलब 2500। और वैसे ये मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग थे, अगर आपकी लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है तो आपके इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, या फिर अगर आपकी लेंथ शॉर्ट है तो वो शॉर्ट भी मतलब इससे भी कम लग सकते हैं। ये होता है स्ट्रेटनिंग का रूल। और बाकी आपने प्रोसेस जो है वो आपने देखा कि मतलब एक ही पार्ट पे ना 3-4 बार आयरनिंग वो करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो हेयर है वो स्ट्रेट हो पाते हैं, दैट्स इट। तो भाई अभी तो कसम से यार मैं बहुत ज़्यादा चंपू सा लग रहा हूँ, मतलब बाल पूरे स्ट्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल वॉल्यूम खत्म हो चुका है। और बाय द वे फोटोज़ वगैरह आएगी इंस्टाग्राम पे, और फोटोज़ वगैरह जाके देख सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और हम इसको कुछ टाइम बाद ना मेंटेन कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, और फिर तबाही लगेंगे। तो ये थी वीडियो, आई होप कि आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी हेयर स्ट्रेटनिंग से रिलेटेड। अगर आपको भी करवाना है तो आप अपने कोई नज़दीकी सैलून पे जाओ, वहाँ पर आप जाके करवा सकते हो, और मतलब ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम वगैरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वॉल्यूम मिल जाएगा, बाल खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे जैसे मेरे हो रखे हैं।
परेशान हो गया भाई। तो फाइनली अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर उसको पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर अभी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम फॉलो करना, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो बस मैंने एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।